बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष AIF की रूपरेखा पेश की। ऑनबोर्डिंग निवेशकों के समय AIF के प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी निवेशक उस देश का निवासी है जिसका प्रतिभूति बाजार नियामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ISCO के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है या सेबी के साथ एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर करता। AIF सरकार या सरकार से संबंधित निवेशक होने वाले निवेशक से प्रतिबद्धता स्वीकार कर सकते हैं जो उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करता है। यदि निवेशक देश में निवासी है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक सकुल में कहा। इसके अलावा कोष में 25% या उससे अधिक का योगदान करने वाला निवेशक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित प्रतिबंध सूची में वर्णित व्यक्ति नहीं होना चाहिए और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक बयान में पहचाने गए देश का निवासी नहीं होना चाहिए। FATF निवेशक उस देश से भी नहीं होना चाहिए जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या ऐसी कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ विकसित कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यदि एक निवेशक जो बाद में AIF की एक योजना में शामिल हो गया है, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो AIF के प्रबंधक निवेश करने के लिए ऐसे निवेशक से कोई और पूंजी योगदान नहीं लेंगे जब तक कि निवेशक फिर से शर्तों को पूरा नहीं करता। सेबी ने कहा कि यह AIF की मौजूदा योजनाओं में पहले से शामिल निवेशकों पर भी लागू होगा जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। नियमों के तहत AIF किसी भी निवेशक, चाहे वह भारतीय, विदेशी या अनिवासी भारतीय हो, से यूनिट जारी करके धन जुटा सकता है। AIF पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार निवेश करने के लिए भारतीय और विदेशी निवेशकों से पूंजी में पूलिंग के उद्देश्य से भारत में स्थापित या निगमित फंड हैं।